तो बच्चों आज का पेपर जो आप लोग का क्लास 10th का था मैथ्स का, वो बहुत क्रूशियल था, हम सभी जानते हैं। और अब उसका हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर है और आंसर की दोनों हमारे पास में तैयार हो चुका है, तो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक पहुँचे। तो गाइज़ जैसा आप देख पा रहे हो, ये JSK सीरीज /2 सीरीज़ का है और ये सेट 4 क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, रिमेंबर दैट। क्वेश्चन पेपर कोड वगैरह आप देख ही रहे हो, और ये है मैथ्स का बेसिक का हम आपको दे रहे हैं सबसे पहले, टर्म 1 एग्जाम क्लास 10th, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से हम आते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको जो टोटल सेक्शंस थे वो 3 सेक्शंस थे, सेक्शन A, B, C, जिसमें 20-20 और 2 केस स्टडीज थे। 20 क्वेश्चंस में से सेक्शन A में आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना था, सेक्शन B में भी आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, और सेक्शन C में जहाँ 2 केस स्टडीज थे, ठीक है, उसमें भी आपको जो दिए हुए इंस्ट्रक्शंस थे उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने क्वेश्चंस करने थे। मैंने जैसे आपको कहा था कि आपके टर्म 1 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई ऑप्शंस लीव नहीं करना चाहिए। खैर, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम जल्दी जल्दी आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका डिटेल्ड आंसर भी आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो एज यू विश। तो सेक्शन A है गाइज, और यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस थे जिसमें से 16 को अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी से थोड़ी देर पहले भी अपने एनालिसिस में बताया, आज के पेपर के एनालिसिस में, कि बेसिक के कुछ क्वेश्चन CBSE ने जानबूझ करके इजी रखे थे ताकि स्टूडेंट्स का मोरल जो है वो बूस्ट हो जाए और उसके बाद में उनको छकाया जा सके, और वैसा ही यहाँ पे हुआ है। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी नजर आए, लेकिन कुछ क्वेश्चन शुरुआत के ईजी नजर आए। तो जैसा कि अब आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो HCF निकालना था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है C, इसका PDF फॉर्म में है गाइज, हम आपको आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को भी और इस आंसर की को भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है यहाँ पे B, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है D, 5 का A, 6 का B, 7 का C, 8 का B, 9 का D, 10 का आंसर है D, 11 का आंसर है C, 12 का आंसर है B, 13 का आंसर है D, 14 का आंसर है A, 15 का आंसर है B, 16 का आंसर है C, 17 का आंसर है C, 18 का आंसर है B, 19 का आंसर है C, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है A, 21 का आंसर है D, 22 का आंसर है B, 23 का आंसर है B, 24 का आंसर C, 25 का आंसर A, 26 का है D, 27 का आंसर है B, 28 का आंसर है C, 29 का आंसर है A, 30th का आंसर है A, 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है D, 32 का आंसर है B, 33 का आंसर है C, 34 का आंसर है B, और सॉरी 34 का आंसर है A, 35 का आंसर है C, 36 का आंसर है D, 37 का आंसर है B, 38 का A, 39 का D, 40 का B, सेक्शन सी यहाँ पे शुरू हो गया जिसमें कि केस स्टडीज थे, 2 केस स्टडीज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। 41 का आंसर है C, 42 का B, 43 का C, 44 का B, 45 का B, केस स्टडी नंबर 2 शुरू हो गया यहाँ से। 46 का आंसर है D, 47 का A, 48 का C, 49 का C और 50 का D। जो टोटल क्वेश्चंस थे गाइस वो थे 50, जिसमें से आपको करने थे, अटेम्प्ट करने थे 40। यहाँ पे हिंदी वर्जन का पेपर शुरू हो जा रहा है जिस पे अभी हम जाएंगे नहीं, अभी हम सीधा यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आपको इस पेपर में क्लास 10 के बेसिक मैथ्स के पेपर में कोई भी इश्यूज नजर आता है, तो प्लीज अपना 1 मिनट का वीडियो बना करके हमें जरूर भेजें, हम उसको अपने चैनल पर शेयर भी करेंगे और आपकी बात को सही प्लेटफॉर्म तक उठाएंगे भी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इंडियाज़ बने रही मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।